2 वर्ष पूर्व रिटायर हुए अवध विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में तैनात अरुण प्रताप सिंह को आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने न पेंशन न जीपीएफ समेत अन्य देय का भुगतान नहीं किया है। इस भुगतान के न होने की वजह से अवध विश्वविद्यालय के परिसर में ही आमरण अनशन पर वह बैठ गए हैं और इस आमरण अनशन को विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद व संघ ने भी समर्थन दिया है। रिटायर्ड कर्मचारी अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने अनेकों बार विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखा लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने पत्र के माध्यम से ही आमरण अनशन की चेतावनी भी दे दी थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारी उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय को 35 साल दिए हैं, केंद्रीय पुस्तकालय के संस्थापक सदस्य रहे हैं, इसके बावजूद अधिकारी उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर अरुण प्रताप सिंह का भुगतान जल्द से जल्द नहीं हुआ तो कर्मचारी परिषद और संघ वृहद आंदोलन करेगा। आमरण अनशन इसलिए मुझे करना पड़ा कि मुझे लगभग 19 महीने बीत जाने के उपरांत भी मेरा कोई भी भुगतान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। 35 वर्ष की सेवा मैंने ईमानदारी पूर्वक विश्वविद्यालय में निभाया, केंद्रीय पुस्तकालय में, लेकिन उसके बाद यहाँ के अधिकारी लोग गुमराह करते रहे और मुझे बार बार दौड़ाते रहे और मेरा न पेंशन, न ग्रेजुटी, न राशिकरण और जीपीएफ जो भी भुगतान है, एक भी पैसे का भुगतान मेरा नहीं हुआ। मेरा परिवार भुखमरी के कगार पर खड़ा है।